तो भाई अभी जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है उसको थोड़ा टेस्ट करते हैं कैसा है। मैं भाई लोग बहुत दिन के बाद एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, और अभी मेरे साथ जो शख्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इनसे परिचित होंगे, इनको जानते होंगे। AK राजपूत, हेलो, कैसे आप सब भाई? मैं ना भाई से मिलने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था, भाई मुझे AK राजपूत से मिलना है। मैं भाई का बहुत दिन से वीडियो देख रहा था, तो फाइनली आज नेपाल में जनकपुर धाम है, ये जंक्शन से मैं थोड़ा बाहर हूँ, यहाँ भाई से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम ना नेपाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो देखते हैं जो चीज़ अच्छे हैं नेपाल में उसको कवर करते हैं इस वीडियो में। और आपको मैं फाइनली इस वीडियो में आपको मैं जनकपुर अच्छे से घुमाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और कुछ इस तरह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा बैक करके, इस तरह का नज़ारा है जनकपुर का। और वहाँ जो है वो जनकपुर धाम है, मतलब जंक्शन है, जहाँ से आप जयनगर से गाड़ी पकड़ के जनकपुर धाम आ सकते हैं। और आज ना बहुत सारा जो शॉप का दुकान है वो बंद है, क्योंकि आज शनिवार है, सैटरडे, इसलिए आज दुकान सब बहुत ज़्यादा बंद है। और चलते हैं कहीं अच्छी जगह पे, ये रहा जनकपुर का व्यू। तो भाई अभी जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है उसको थोड़ा टेस्ट करते हैं कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा अपना लोग मतलब ठेला बोलते हैं यार, मतलब ऐसा है कुछ रेड़ी वाला, तो लिट्टी चोखा जो बिहार का तो फेमस है ही। और यहाँ देखते हैं कहाँ है भाई, यहाँ चलना, हाँ चल चल चलते हैं, दिखा है कुछ। ओ भाई क्या है भैया, ये सब कचौड़ी है या पकौड़ी है? कचौड़ी पकौड़ी दोनों है। नहीं क्या ट्राई करने वाला, कचौड़ी ट्राई करते हैं, कचौड़ी पकौड़ी दोनों ट्राई करते हैं। कौन सी कचौड़ी है भाई, इसमें कौन सी कचौड़ी है? पकौड़ा है, ये प्याज का पकौड़ा है, प्याज का पकौड़ा है, आलू का पकौड़ा है, आलू का पकौड़ा है, छोलो प्याजी है, पूरा प्याजी है, पूरा प्याजी। भाई ठीक है लगाओ अंकल, एक प्लेट लगाओ, टेस्ट करते हैं, आइए भाई बैठते हैं। भाई अभी मैंने ऑर्डर दिया है एक एक प्लेट का, जो मैं और AK राजपूत भाई, अंकुश भाई, टेस्ट करते हैं कैसा है। बनाओ भैया बढ़िया से, और सब भैया बढ़िया, सब बढ़िया है। आपका बढ़िया है ना? हाँ भैया बढ़िया, बिहार से, बिहार से ट्रेन में आया घूमने के लिए ना? क्या घूमने ले आया? हाँ घूमने आया है भाई, बढ़िया बोला है, बढ़िया बोला। ये बन रहा है अपना, जो कि 50 रुपीज़ प्लेट है, जिसमें सब आइटम देंगे थोड़ा थोड़ा भैया, लगाओ भैया। देखने में तो स्वाद गजब लग रहा है, अब खा के स्वाद के टेस्ट कैसा लगा वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो देता हूँ। हाँ बिहार का तो भैया लिट्टी चोखा पूरा फेमस है बिहार में, कभी आइए खिलाते हैं लिट्टी चोखा। अरे इधर भी था पहले, हाँ इधर भी था, ये तो ये भैया नहीं मिलेगा, ये तो महंगा पड़ जाएगा, 70 रुपये, 70 पड़ जाएगा। ये भाई खाना है आपको, बाद में देख लेना, एक में साथ ही आधी करके, हाँ तो एक ही में आधा आधा करके दे दो भैया। वही ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो भाई लोग नाश्ता कर लिए, और भाई उसका जो स्वाद था वो A1 का था, गजब स्वाद था। और आज मैं ना ये टी शर्ट और मैं लिए लूज़र, देखो दिखाता हूँ, ये मैंने यहीं परचेज़ किया, जो कि नेपाल, सॉरी सॉरी अंकल, जो कि नेपाल में कपड़ा आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, एक्सपेंसिव है। तो आप जब भी नेपाल आते हो तो इंडिया से ही कपड़ा परचेज करके आओ, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा कपड़ा। वही फिर निकल गए, थोड़ा आगे घूमते हैं। मेरा यार कहाँ गया यार? और आपको अगर ड्रिंकिंग सब चाहिए तो यहाँ आपको ओपन नहीं मिलेगी, नहीं। और यहाँ पर भी एक
स्ट्रीट फूड का दुकान है, तो यहाँ पे कुछ आइटम तो सेम ही है, बट यहाँ पे ना एक दही वड़ा ये आइटम थोड़ा ज़्यादा है। भैया ये कैसे प्लेट है? 30 रुपये। 30 रुपये प्लेट? एक लगा दो भैया, टेस्ट करते हैं कैसा है। वहाँ की सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, वहाँ भी मूढ़ी था और ये आलू का है और वो प्याज का है, सब कुछ वहाँ था वो सेम यहाँ पर भी है। और अभी ना मतलब शाम हो चुका है इसलिए बहुत सारा आइटम बिक चुका है, तो ट्राई करते हैं नेक्स्ट डे के सवेरे आने का और जितना आइटम होता है मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, तो कल सवेरे ट्राई करेंगे आने का। और फिलहाल अभी ये है दही वाड़ा। आप कहाँ से? भैया बिहार से हूँ। पत्रकार है कि नहीं? भैया ब्लॉगिंग ट्रैवलिंग करता हूँ। ठीक है, यहाँ अच्छा मिलता है। हाँ, बहुत नाश्ता अच्छा मिलेगा जी, आप खाइए जी, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है ठीक है। जनकपुर का कम से कम बेस्ट है। इनका दादाजी, इनका पापा जी ये सब यही कर रहे हैं। चलिए भैया बढ़िया है। तो भाई अभी टेस्ट करते हैं कैसा है स्वाद, देना भैया। आज मैंने कुछ ज़्यादा चमक रहा है क्या? नहाया है ना एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते के बाद? हाँ, दो चम्मच दो भैया, चम्मच दो दे दो। आओ भाई। और ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार ये रहा दही वाड़ा भाई, टेस्ट ही करना है सिर्फ कैसा स्वाद है। टेस्ट ही कर सकते हैं, करते हैं फिर टेस्ट कैसा है। नेपाली दही वाला बढ़िया है स्वाद। ये रहा नेपाल का करेंसी, 100 रुपीज़ है ये ऊपर में। मैं आपको ना सारा करेंसी दिखाऊंगा, ये 20 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ है नीचे करेंसी। और मुझे ना अभी एक चीज़ पता चला कि जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में मूढ़ी को क्या बोलते हैं? फुलियाँ बोलते हैं मूढ़ी को, और हम लोग के बिहार में तो मूढ़ी को मूढ़ी ही बोलते हैं। 5 रुपये भी आ गई। ये 5 रुपये भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 रुपये है और ये 50 रुपीज़ है पीछे में आपका। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या खूबसूरत जगह मिलता है दिखाने के लिए। हमरा सुगला ला भैया, कौन चैनल ला? रोवर आदित्य। भैया पाक बड़ा स्ट्रीट फूड होता है। गाइस रात का वक्त हो चुका है और अभी आए हैं हम गंगा आरती जनकपुर मंदिर के पास, और चलते हैं इस नौ पे, मतलब आगे चलना है और शूट करना है बीच में जाके, तो शूज तो खोलना पड़ेगा, एक बार खोल लेता हूँ। और कितना प्राइस बोलो भाई? 50 रुपीज़ ओनली, बट वो है नेपाल का, नॉट इंडियन, INR है यार। अभी भैया ट्राई करोगे क्या? अभी ट्राई करोगे? नहीं हम लोग घूमे हैं। चलो बैठते हैं, तो बैठते हैं भाई। कहाँ बैठना है भैया? यहीं पे। ये डूबेगा नहीं ना, ये डूबेगा नहीं ना अगर मैं हवा निकाल लूँ। अच्छा तैरना आता है? हाँ, ये कहाँ इतना कह रहा है, फिर भी चलो मुझे भी आता है बट थोड़ा। अगर मैंने हवा निकाल दी ना। ये रहा भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये गंगा आरती होता है यहाँ पे, महागंगा आरती वहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। और यहाँ पे जो हवा आ रहा है भाई मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो ना हवा पानी में टकरा के आ रही है। तो बाकी नज़ारा पूरा बढ़िया है, आप यहाँ घूमने जरूर आइए, मज़ा आएगा आपको, गजब का नज़ारा है। बस कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बस कर रहा हूँ। ठीक है भाई चलते हैं फिर। कितना टाइम हुआ अभी? रात हो चुका है और स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट नहीं है तो हाथ से चलाएंगे। अब मैं आपको ना वो बीच में जाके ना आपको गंगा आरती का व्यू दिखाता हूँ, वहाँ से ना कैसा लगता है ये देखने में, क्योंकि नज़दीक से हो तो उतना अच्छा है बट उतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, आदमी से बहुत ज़्यादा है ना, मैं दूर से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। भैया स्टार्ट करो, मुहूर्त निकालोगे क्या? चलते हैं भाई फिर।
रात हो चुका है यार, मैं ट्राई करूँगा कल मुझे जनकपुर जानकी मंदिर का शूट करना है अच्छे से, पूरा बढ़िया से कल शूट करना है। तो आज तो थोड़ा अंधेरा हो गया और ये चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है अब। चलो भैया स्टार्ट। क्या बोले भैया? हाँ मोटे पतले में भेदभाव हो रहा है। मेरा कैमरा नहीं है अभी, एक मिनट भैया, सॉरी। आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ चलो भाई, ठीक रहेगा बनाने में? हाँ ठीक रहेगा। नहीं भैया तो यार फाइनली स्टार्ट हो चुका है। करो भैया स्टार्ट करो भैया। भैया अगर गिरने वाला होगा तो पहले बोल देना भैया, फिर कैमरा क्यों रखना है, फिर ना फिर स्विमिंग करना है। और ये जो वाटरफॉल है यहाँ का गजब ही इसका व्यू है। तो भैया उस साइड लेके जा रहे हैं, इसको मिस नहीं कर सकते। चलो भैया चक्कर लगाओ। भैया अगर परेशान हो रहे तो मैं भी हेल्प करूं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये नहीं भैया आप परेशान हो जाओ। और भाई मैं आपको एक चीज़, यार अंधेरा आ रहा है बट आप झेल लो कैसे करके, इधर तो उड़ा रहा है। तो भाई यहाँ पे ना भैया के अनुसार, मुझे तो पता नहीं है भैया के अनुसार कि ये जो है गंगा, ये भाई तो गंगा पानी है ना? हाँ गंगा माता जी। और इसमें ना 30 kg 25 kg का मछली है और 60-70 kg का क्रोकोडाइल, नहीं क्रोकोडाइल नहीं, उसको क्या ना बोलते हैं, टोर्टोइस क्रोकोडाइल यार फिर मैं तो इसमें ना, हाँ कछुआ कछुआ यार, बहुत जो कछुआ नहीं आदमी समझता, इसलिए टोर्टोइस ऐसा ही कुछ जो आप हैंडल कर लो यार, वो इसमें है ठीक है ना। तो अब कुछ डर लग रहा है भाई, बट कोई बात नहीं, फिर सारे में कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं भाई फिर। भाई अंधेरा अंधेरा हो रहा है यार। स्नान करता है? हाँ भैया पिंडदान भी करता है यहाँ पर, पिंडदान। मैं यहाँ सब कुछ दिखाता हूँ, वो ना वहाँ साइड से मतलब चलाइए, वहाँ साइड से अब देख सकते हो अब। अच्छा भैया पूरा चक्कर लगाओगे क्या? चलो परिक्रमा कराएंगे। कितना? 10-15? एक ही करना है, मतलब एक ही और घुमाना है ना, उनको लगा 10 चक्कर लगाओगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो अभी हमारा एक चक्कर पूरा हो गया और हम उतरने वाला हूँ इससे, और अब यहाँ पे कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू होगी, वहाँ पे मैं आपको उसका भी नज़ारा कुछ दिखा दूंगा। बट यहाँ देखिए कितने लोग आते हैं शाम में, ये सब भाई बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे शुरू से। हाय बोल दो भैया। ये सब भाई बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, जो कि हम लोग मतलब मैं तो अकेले यहाँ नहीं आ पाता, अंकुश भाई भी नहीं आ पाते, तो ये सब ना रास्ते से ही साथ में लेकर आया, बोला यहाँ पे गंगा आरती होता है उसको सेलिब्रेट करो, देखो। तो मैंने यहाँ आया, पूजा भी किया और फिलहाल रात हो चुका, तो अच्छे से वीडियो शूट नहीं हुआ। अब यहाँ पे कुछ देर में गंगा आरती शुरू होगी, मैं आपको कुछ झलक जरूर दिखाऊंगा। आरती शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे थे, अब शुरू हो चुकी है। Thank you.
तो अभी फाइनली आरती हो गई और आपने उसका दर्शन भी कर लिया और अब शायद यहाँ पे प्रसाद भी देते हैं, देखता हूँ। हाँ यहाँ प्रसाद दे रहे हैं, मैं पहले ले लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ।